सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अम्बेडकर चौराहा खंडवा। क्यों आए थे यहाँ पर, क्या मामला है? अभी कुछ दिन पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे कुछ ढोंगी लोग गए थे, किसी टुच्चे पार्टी के कुछ लोग गए थे कि हम शहर में शांति सद्भाव चाहते हैं, और इनका ये ढोंग ज़्यादा देर तक चला नहीं। उनके पीछे के कुछ लोग थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने हमारे जो हिंदू जागरण मंच के संयोजक है उनके विषय में, चूँकि वो डॉक्टर है पेशे से, और उनके विषय में कहा गया पीछे से वहीं एडिशनल एसपी मैडम के सामने ही कि अकेले में मिलने दो, इसको तो चाकू मारेंगे। इस संबंध में वीडियो वगैरह हमने सब प्रशासन को उपलब्ध करवा दिए हैं, FIR भी हो गई है। हम ये निवेदन करने आए थे कि इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो आयोजक है इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो ढोंगी लोग हैं ये सिर्फ 2-4-5 टुच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ ढोंग करते आके कि हमको शहर में शांति चाहिए। वास्तव में इनको शांति से कोई लेना देना ही नहीं है। ये चाहते हैं कि शहर वापस से सिमी का गढ़ बने, ये चाहते हैं कि शहर में वापस से इस प्रकार की घटनाएं हो जिससे इनकी रोटी चलते रहे, ये सेकते रहे रोटी। इसलिए मेरा प्रशासन से निवेदन है कि ये जो 2-4-5 आए थे, जो बहुत ही अपने आप में एक टुच्चे टाइप के दिख रहे थे, इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और ऐसे लोग डबल से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे जाने के पहले अपनी मर्यादा का ध्यान रखे, चूंकि वो एक जो है जिले की कार्यालय है, इनका इस चीज को ज्ञान होना चाहिए। कौन सी पार्टी के लोग थे? ये MIM पार्टी के कोई लोग थे, कोई MIM पार्टी करके है कहीं का, कोई OC की पार्टी है ऐसा सुना है। उनके कुछ कार्यकर्ता थे, 2-4-5 है ना, वो उठ के आ गए थे, पर उनको मालूम ही नहीं कि क्या बात करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। उनसे यही निवेदन करूंगा मैं कि अगर कोई क्रिया हुई तो हिंदू समाज सभी प्रकार की प्रतिक्रिया में सक्षम है, बिल्कुल भी हल्के में ना ले कि कोई क्रिया कर देंगे, कुछ बोल देंगे। आप जो करोगे आपको ब्याज के साथ देने में हिंदू समाज सक्षम है। आज क्या किया आपने? आज हम लोगों ने TI साहब से निवेदन करने आए थे, चूंकि इस विषय में पहले ही FIR कर चुके हैं, इसके लिए प्रशासन को धन्यवाद के साथ साथ उचित कार्रवाई हो और ऐसे लोगों पर रासुका लगाई जाए, चूंकि ये शहर में शांति से संबंधित मामला है, इसलिए ये निवेदन करने आए थे। परिचय दीजिए आप। माधव झा, हिंदू जागरण मंच सत्यवचन। शहर में भेड़ दो ना सब एक दूसरे, बोलिए जी। शहर में कुछ अशांति फैलाने वाले लोग हैं, विगत दो दिन पहले कुछ मौलवी लोग और कुछ सामाजिक बंधु लोग, वो लोग ज्ञापन देने के लिए गए थे, और जिस प्रकार की गिदड़ भपकी उनने दी है, मैं आपको एक बार और चेताना चाहता हूँ कि मेरे जो आधे घंटे की धमकी थी वो धमकी ना समझे पहली बात। तो वो नारी शक्ति के साथ जो अन्याय हो रहा था खंडवा में, 3 साल पहले जिस प्रकार से विधवा महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, नाबालिग बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा था, बाहर से पढ़ने वाली आने वाली बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा था, उसमें 90% कमी आई है, और इसके अंदर प्रशासन का भी धन्यवाद है कि प्रशासन ने भी काफ़ी हमारा सहयोग किया, और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कई अपराधियों को पकड़ के ला के प्रशासन को दिया। बाकी पदम नगर की जो घटना घटी थी वहाँ पर हिंदू जागरण मंच को ऐसा लगा कि अपराध दर्ज नहीं हो रहा है, तो उस संदर्भ में CSP साहब को धमकी नहीं दी थी, वो एक चेतावनी थी अन्य अराजक लोगों के खिलाफ, कि जो अराजक लोग हैं जो महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, यदि आपसे नहीं बन रहा है तो उन अराजक लोगों को आधे घंटे में हम लोग पुलिस के हवाले कर देंगे, तो इसको अन्यथा जो लोग ले रहे हैं उसे ना लिया जाए। आपको धमकी दी गई थी? मुझे धमकी दी गई है, मुझे वीडियो के माध्यम से मालूम पड़ा है, और उसमें जो आयोजक लोग आए थे, जो लोग ज्ञापन देने के लिए गए थे, सभी पर कार्रवाई होना चाहिए। किस तरीके की धमकी दी, क्या कहा गया? उसने मेरा नाम लेकर अकेले मिलकर चाकू मारने की धमकी दी गई है, जान से मारने की, तो ये प्रशासन ने इसको संज्ञान में लेना चाहिए, और भविष्य में यदि किसी प्रकार की कोई घटना यदि घटती है तो प्रशासन की जवाबदारी रहेगी। डॉक्टर अनिश अर्जरे, हिंदू जागरण में संयोजक। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते LED TV, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें, अंबेडकर चौराहा खंडवा।